हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हम इसके टी रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से आया है। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला है ट्राई, दूसरा है गोनिया एंड तीसरा है मेट्रन। इसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनिया इज एंगल एंड मेट्रन मींस टू मेजर। तो यहां पर लिखा है मैंने थ्री एंगल। तो जिसमें थ्री एंगल होते हैं वो क्या होता है? ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर ही तीन एंगल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पे ट्राइंगल। तो हम कर क्या रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिकली हम कर रहे हैं ट्राइंगल को मेजर, यानी कि हम एक ट्राइंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं एक ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहली चीज जो निकालते हैं दैट इज द टी रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हीं को हम बोलते हैं टी रेशियोज। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो वो हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। तो यानी कि हम उसमें एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो लेते हैं, तो वो इक्वल होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं। मैंने बताया कि एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है? तो ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है इसमें। तो बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो कौन से होंगे? एक्यूट एंगल्स। तो यानी कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल ए एंगल ए और एंगल सी आर लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले मैंने उन चीजों को डिफाइन कर दिया है। अगर किसी को नहीं पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल क्या होता है, तो मैंने डिफाइन कर दिया है। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ए बी एंड सी, इसमें हमारा जो बी एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है तो बाकी जो एंगल होंगे वो होंगे 90 से कम। तो ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री से कम। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास साइड्स कितनी है? एक साइड ये है, एक साइड ये है और हमारी एक साइड ये है। तो एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स भी होते हैं। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, हम क्या कर सकते हैं? हम इन तीनों साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। हम इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, या फिर इन दोनों का भी रेशियो ले सकते हैं, या फिर उसी का ही उल्टा भी कर सकते हैं हम। तो हम रेशियो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम रेशियो कैसे लेते हैं। तो अब हम फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं।
यहां पर हम बना लेते हैं क्लियर राइट एंगल ट्राइंगल। ये है 90 डिग्री एंगल, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। इसमें हम नाम दे सकते हैं एबीसी, आप कुछ भी नाम दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए बी और सी। सो आई हैव टेकन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है और ये वाली साइड हमें निकालनी है, ये वाली साइड हमें निकालनी है और ये वाली साइड भी हमें नहीं पता क्या है। तो हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी साइड क्या है। तो हमें पता है कि तीन साइड होती है, तो एक साइड हो सकती है हमारी बेस, एक हो सकती है हाइपोटेनस और एक हो सकती है परपेंडिकुलर। तो अब हमें कैसे पता कि कौन सी साइड कहां पर होगी, हो सकता है ये बेस हो सकता है ये साइड हमारी बेस हो। तो अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे पलट दें तो ये बन जाएगा इस तरीके से, तो ये वाली साइड आ गई यहां पर। तो अगर आपको ये बेस लग रहा है तो अब ये बेस यहां पर चला गया, तो अभी क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो हो सकता है आपका ये बेस हो सकता है आपका ये बेस हो, तो आप देखकर नहीं बता सकते हो कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूट एंगल। तो जो मैंने डेफिनेशन बोली है कि हम एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक्यूट एंगल का बेनिफिट क्या है, वो ये है कि अगर हम ये एंगल लेते हैं, सपोज कि मैंने एंगल ए को लिया है एक्यूट एंगल को, तो हम अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि हमारा कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हमारा हाइपोटेनस होगा। तो जैसे हम एंगल ए के लिए निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, वैसे ही हम एंगल सी के लिए भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो हम दोनों के लिए बता सकते हैं कि भाई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कहाँ कहाँ होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने मान लिया कि ये एक अक्यूट एंगल है एंगल ए, ठीक है, मेरे को पता है ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर और इस एंगल से एडजेसेंट जो साइड होगी वो होगी बेस। एडजेसेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल साथ वाली लाइन होती है, मतलब मेरे साइड में कोई खड़ा है दैट इज एडजेसेंट, अगर मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट कोई खड़ा है तो दैट इज ऑपोजिट। तो जिसके ऑपोजिट वाली साइड है वो होगी परपेंडिकुलर और जो बिल्कुल इसके साथ वाली साइड है वो होगी बेस। तो अब कोई बोलेगा कि भाई साइड वाली तो ये भी है, साइड तो ये भी जा रही है, तो ये वाली साइड क्यों नहीं है। तो जो एंगल के एडजेसेंट साइड है वो कौन सी साइड लेनी है जो 90 डिग्री की तरफ जा रही होगी, तो ये वाली साइड जा रही है 90 डिग्री की तरफ, ये नहीं जा रही 90 डिग्री की तरफ, ये वाली साइड जा रही है 90 डिग्री की तरफ, तो ये होगी बेस। तो ऑपोजिट होगी परपेंडिकुलर और जो साइड 90 डिग्री की तरफ जा रही है इसकी एडजेसेंट में वो होगी बेस। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये होगा हाइपोटेनस। तो हमें वैसे पता चलता है किसी एंगल को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा बेस, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन किस एंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए। ऐसे ही अगर मैं इस एंगल के लिए बोलूं तो ये दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करती हूं एंगल सी के लिए, तो मैंने ये एंगल मान लिया, इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है, ऑपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, इस साइड से एडजेसेंट जो 90 डिग्री की तरफ आ रही है वो होती है बेस और ये होगी हाइपोटेनस, क्योंकि बेस यहां आ गया परपेंडिकुलर यहां आ गया तो ये होगी हाइपोटेनस। तो बेसिकली हुआ क्या है, जब हमने इस एंगल के लिए बात की तो ये वाली तीन चीज थी, ये वहां पे बेस था और यहां पर परपेंडिकुलर था। अगर हम इस एंगल के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर की जगह बेस हो गया, बेस की जगह परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी कि जैसे हम इस एंगल से इस एंगल पे गए तो चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए हैं। तो इन दोनों को आप पलट भी सकते हो डायरेक्ट देखकर। तो ये मैंने निकाल लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले मैं लिख देती हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है,
इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल. एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम के एंगल्स हैं. इसके अलावा हमने क्या देखा, ए बी क्या है, ए बी इज द बेस. ए बी जो लाइन है वो हमारी बेस लाइन है. बी सी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर. और ए सी है हमारी हाइपोटेनस. तो हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया है. कैसे किया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, किस तरीके से हमने निकाला है. हमने निकाला ये एंगल सी के लिए, तो मैं यहां पे लिख देती हूं फॉर एंगल ए के लिए हमने निकाला है, तो मैं लिख देती हूं फॉर एंगल ए. अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं एंगल सी के लिए. मैंने बताया जब इस एंगल के लिए निकाला तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था. अगर मेरे को उसके ऑपोजिट वाले एक्यूट एंगल के लिए निकालना है तो जस्ट इनको ऑपोजिट कर दो, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस. तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, इसमें हो जाएगा ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी हो गया हमारा बेस और ए सी हो गया हमारा हाइपोटेनस. तो मैंने ये क्यों निकाले हैं, ताकि मैं इनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकूं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं साइड्स के रेशियोज से. तो मैंने जब साइड पता कर ली कि साइड में है क्या, कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है, तो मैं इन साइड के बेसिस पे निकाल सकती हूँ कि उनका रेशियो क्या होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले मैं निकाल कर दिखाने वाली हूँ एंगल ए के लिए. तो सबसे पहले हम एंगल ए के लिए निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हम निकाल सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक्स एक और कॉट. ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक्स एक और कॉट. तो इसमें हम जो निकालते हैं, अब हम किसी एंगल की बात कर रहे हैं जो कि हमने एक एक्यूट एंगल लिया है, और एक्यूट एंगल को हम लिख सकते हैं भाई थीटा. तो मैं लिख देती हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. तो मैंने ये इनके एंगल को डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि हम साइन के लिए थीटा एंगल के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे हम कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए. इन छह को हम निकाल सकते हैं, यानी कि फॉर एंगल ए. अगर मैं ए एंगल की बात कर रही हूं तो ये छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकाल सकते हैं. अगर एंगल सी के लिए निकालना चाहते हैं तो फिर से ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम निकाल सकते हैं. अब क्योंकि जो हमारा थीटा एंगल था वो क्या था, एंगल ए, ए के इक्वल था, तो यहां पर मैं क्या लिख देती हूँ, यहां से हम थीटा को हटा देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं एंगल ए. तो यानी हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए. इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया इसमें एंगल. अब हम इन सबकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं. अब हम फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं, तो हम लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, वही सब साइड्स ले लेते हैं ए बी सी. ये क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो हम इस वाले एंगल के लिए निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई साइन की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी. मेरे को पता चल गया है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है. मेरे को ये तो पता चल गया है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, और साइन की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं. लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशियो लेना है, किस साइड का रेशियो लेना है. तो हो सकता है हम इसी साइड का रेशियो लें, हो सकता है इन दोनों का रेशियो लें, हो सकता है इन दोनों का रेशियो लें. रेशियो तो किसी का भी लिया जा सकता है ना. तो हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू, यानी कि क्या अपॉन क्या आएगा, यानी कि रेशियो में क्या आएगा, वो हम कैसे देखते हैं. इसको याद करने की ट्रिक होती है, आपको सीधा रिमेम्बर करना है पी बी पी अपॉन एच एच बी. तो जब मैंने याद किया था तो ये ऐसे याद किया था,
मुझे इस तरीके से याद करवाया गया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप इससे किसी और तरीके से याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ठीक लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। मेन चीज है आपको याद होना चाहिए। तो ये है PBP अपॉन HHB, ये आपको याद करना है बस। यहां पे मैंने क्या लिखा है, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन B, ये तीन हमारे पास में रेशियो है। रेशियो यानी कि कुछ अपॉन में कुछ, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है। तो P अपॉन एच यानी ये पहली चीज है, तो हम इसको लिखते हैं साइन की वैल्यू, यानी P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन। दूसरा रेशियो क्या है, B अपॉन एच का रेशियो, ये होती है कॉस की वैल्यू। तीसरा रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होती है टैन की। तो हमें तीन रेशियो तो पता चल गए, साइन कॉस और टैन के। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो साइन की वैल्यू आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो कॉस की वैल्यू, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो टैन की वैल्यू आएगी। और अगर हम इन्हीं का उल्टा कर देते हैं तो हमें बाकी तीन रेशियोज भी मिल जाते हैं। कैसे, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर करेंगे तो हमें मिलती है कॉसेक की वैल्यू, यानी साइन का उल्टा कर दिया तो कॉस आ गया। हाइपोटेनस अपॉन बेस करेंगे तो आएगी सेक की वैल्यू, ऐसे ही बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं तो आती है कॉट की वैल्यू। तो हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इस तरीके से पता चल जाते हैं। तो आप इन सबको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। भाई ये तीन तो आप निकाल सकते हो पीबीपी अपॉन एचएसबी से, तो आपको ये तीनों पता चल गए। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, इससे नीचे वाले का उल्टा सेक, इससे नीचे वाले का उल्टा कॉट, यानी सारे इनवर्स एक दूसरे के नीचे ही हैं। ये क्या है, इनके इनवर्स। साइन कॉस टेन की वैल्यू पता चली, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। यहां पर हम लिख देते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, बस ये लिख देते हैं, इससे हमारे सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। ये वाली तो सबसे पहले हम किसकी निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू। तो हम निकाल रहे हैं फॉर एंगल ए, ए एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए। तो ये हो गया साइन ए। साइन ए मेरे को पता है भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पहला जो रेशियो है ना, पहला रेशियो ही है साइन की वैल्यू, दूसरा है कॉस की वैल्यू, तीसरा है टैन की वैल्यू। तो पहला लिख देते हैं पी अपॉन एच, तो साइन ए होता है पी अपॉन एच। अब देखो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बीसी। बीसी जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, तो हम यहां क्या लिखेंगे, वो साइड यानी कि बीसी। यहां पर अब हाइपोटेनस है एसी, तो एसी को हम यहां पर रख देते हैं। और ये मेरे पास क्या है, इसकी साइड का रेशियो, और वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैंने क्या बताया, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम उनकी साइड का रेशियो लेते हैं, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यही मेरा क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऐसे ही साइन की वैल्यू निकाल लिए, तो ऐसी कॉस टैन सब सब क्या आएंगी, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। ऐसे ही निकाल सकते हो कॉस ए की वैल्यू, मुझे पता है भाई कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जगह पे क्या रख देंगे, ए बी, हाइपोटेनस की जगह पे ए सी। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ये आ गया हमारे पास कॉस की वैल्यू। अब हम निकालते हैं टैन की वैल्यू, टैन हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं बी सी, बेस क्या है ए बी। ये हमारे पास टैन की, ये हमारे पास कॉस की, और ये हमारे पास साइन की वैल्यू। अब ये तीन वैल्यू पता चल गई, तो ऑटोमेटिकली हमें कॉसेक सेक और कॉट की भी वैल्यू पता चल गई है। इसका उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू आती है, कॉसेक की। तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी, ये होगी कॉसेक की। इसका उल्टा कर दो, ए सी अपॉन ए बी, ये आ गई सेक की, और ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, ये आ गई कॉट की, सेक की और कॉसेक की। तो ऐसे करके हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इससे हमें देखो रिलेशन क्या पता चल रहा है,
उससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा. कोसेक साइन का उल्टा है या साइन कोसेक का उल्टा है, बात बराबर है. ऐसे ही निकाल सकते हैं भाई, सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा. कॉस इसका उल्टा है या ये कॉस का उल्टा है, इनवर्स है दोनों. ऐसे ही निकाल सकते हैं भाई, कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा. इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं. साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, यहां पर था हमारा ए बी सी, यहां पर हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस. साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच. तो पी अपॉन एच क्या हो गया, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी. तो मेरे पास ये वैल्यू आई थी साइन थीटा की. अगर मैं इसका उल्टा कर देती हूं तो वो वैल्यू आ जाती है ए सी अपॉन बी सी. और अगर आप कोसेक की वैल्यू को भी देखोगे तो वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज द वैल्यू ऑफ कोसेक. तो हाइपोटेनस की जगह पे ए सी रखते हैं और परपेंडिकुलर की जगह पे बी सी. तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है. एक तरह का और रिलेशन होता है इन सबके बीच में, इनके बीच में डिवीजन का भी रिलेशन होता है. साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए. कॉसेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू कॉट ए. ये हमारे पास दो और रिलेशन होते हैं, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉसेक अपॉन सेक कॉट. ये हमारे पास में रिलेशन आ जाते हैं. और ये जो हमारे पास में रिलेशन है, ये रिलेशन हमने ऐसे ही नहीं लिखे हैं. इनका मतलब है कि अगर साइन ए की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं और कॉस ए की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं और हम उनको डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे टेन की वैल्यू के इक्वल. तो वो आएंगे हमारे टेन की ए की वैल्यू के इक्वल. तो साइन की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे. हमारे पास में ट्राइंगल था भाई ए बी सी, ये बेस था, परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था. साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, तो यानी बीसी अपॉन एसी. इसकी वैल्यू होती है बी अपॉन एच, तो ये हो गया ए बी अपॉन एसी. तो ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू, ये हो गई हमारी कॉस की वैल्यू. अब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो एसी से एसी कट गया, ये आ गया बीसी अपॉन ए बी. और यही वैल्यू अगर आप देखोगे तो यही वैल्यू आई थी हमारी टेन की. तो हम बोल सकते हैं कि भैया टेन ए के इक्वल है. टेन क्या था, टेन था हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस था हमारा टेन. तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी सी. बेस की वैल्यू क्या है, ए बी. तो बी सी ए बी, यही हमारी आ गई टेन की वैल्यू. ऐसे ही आप देख सकते हो, कॉसेक की वैल्यू रखोगे, सेक की वैल्यू रखोगे, तो वो कॉट की वैल्यू के इक्वल आती है. तो ये रिलेशन ऐसे ही नहीं है, इनका मीनिंग है कि इसको डिवाइड करने पे हमारा ये आता है, इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा इसकी वैल्यू आती है. अभी हमने निकाली थी वैल्यू एंगल ए के लिए. एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल था और एंगल सी भी हमारा एक्यूट एंगल था. तो ऐसे ही हम एंगल सी के लिए भी निकाल सकते हैं. अभी हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल है. अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इस वाले एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में. तो इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, तो ये मीन्स हमारी हो गई परपेंडिकुलर. इसकी एडजेसेंट साइड जो हमारा 90 डिग्री की तरफ जा रही है वो है हमारी बीसी लाइन. तो बीसी इज द बेस और ये हो गई हाइपोटेनस. हमको पता चल गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस कहां कहां पर है. अब हम के रेशियोज निकाल सकते हैं. रेशियोज के लिए हमारी सिर्फ वही चीज रहेगी, पी बी पी अपॉन एच एच बी. पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन की, ये कॉस की, ये टेन की, इसी का उल्टा कर दो, कॉसेक से और कॉट की. तो साइन सी लिखेंगे अब हम, क्योंकि हमने सी एंगल लिया है, थीटा था एंगल. तो हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल हम रख देते हैं यहाँ पे. तो हमने लिया था पहले एंगल ए, तो हमने लिखा साइन ए, कॉस ए, टेन ए.
अब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो हम लेंगे साइन सी कॉस सी टैन सी. तो साइन सी इज पी अपॉन एच, ये यहां पर पी अपॉन एच होता है. और पेंडिकुलर क्या है यहां पर, ए बी. हाइपोटेनस इज ए सी. आप देख सकते हो सारी वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं हर एंगल के लिए. अब ऐसे हम कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगा बी अपॉन एच. आप वहां से देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी. ये आ गई हमारी कॉस की. अब हम ऐसे टैन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगा पी अपॉन बी. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन सी की वैल्यू. परपेंडिकुलर हमारी क्या है यहां पर, ए बी. और बेस की वैल्यू है बी सी. मैंने निकाल दी साइन कॉस टैन की वैल्यू. अब जो ये वैल्यू आई है इसी का आप क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो. तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉसेक की. ये आ गई सेक की और ये आ गई कॉट की. छह की छह हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए हैं. तो अगर आप निकाल के देखना चाहते हैं तो आप खुद निकाल कर देख सकते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगी ये चीज. तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट हाउ यू कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इस तरीके से आप किसी भी एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.